फ्रेंड्स, अनुशासन का यानी कि डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में बड़ा ही महत्व है। अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिनड है, अगर हम अनुशासित रहते हैं, तो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हमें हर उस काम में सफलता मिलती है। जो भी हमारा गोल होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी हमारे ड्रीम्स होंगे, जो भी हमारे डिज़ायर्स होंगी, हम उन्हें पूरा कर सकते हैं सिर्फ अनुशासित जीवन के दम पर। अब यह अनुशासन क्या होता है, कैसे डेवलप होता है और हम अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन कर लें। देखिए दोस्तों, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अनुशासन कभी किसी बड़ी घटना से अचानक से डेवलप नहीं होता। अनुशासन हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से डेवलप होता है। अगर हम छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दें, जैसे सपोज़ करिए कि सुबह 5 बजे उठ जाना। अब 5 बजे उठना एक दिन तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन ये मुश्किल होगा। हम वेट लॉस करना चाहते हैं, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, अनुशासन चाहिए। अब अगर हम आज एक्सरसाइज करें, एक हफ्ते बाद करें, एक महीने के बाद करें, तो क्या उस एक्सरसाइज का हमारे शरीर पर कोई नतीजा निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, अनुशासन है क्या? मैं एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ता हूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज तो रेगुलर चाहिए चाहिए, लेकिन आपको डाइट पे भी काम करना है, अपनी डाइट को भी कंट्रोल रखना है। तो कभी होगा कि आज हमने बड़ा समोसा खाने की इच्छा कर रही है, हमने आज समोसा खा लिया क्योंकि हमने पिछले एक सप्ताह से समोसा नहीं खाया, लास्ट 1 वीक से हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई, कोई ऐसी मिठाई नहीं खाई जो हमारे खाने की बड़ी इच्छा थी। तो अब क्या होता है ना, जब हम ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं, अभी गोल क्या है कि वेट लॉस करना, एक अच्छे शेप में आना, हमने इसके लिए सुबह उठना भी शुरू कर दिया, लेकिन अनुशासित नहीं है। अनुशासन ना होने से हम उठपटांग चीज़ें खा रहे हैं, हम जितनी कैलोरी एक्सरसाइज करके खर्च करेंगे उतनी ही कैलोरी फिर हम समोसा और मिठाइयाँ खा करके चढ़ा लेंगे। तो अनुशासन का मतलब सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो अनुशासन हम अपनी लाइफ में कैसे डेवलप करें, ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी चीज़ों से अनुशासन बनता है। अगर आपने प्रण किया है कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे, तो आपको रेगुलर होना है, आपको हर रोज़ 5 बजे उठना है। अगर आपने तय किया कि आपको अपना वेट लॉस करना है, तो आपको अपना वेट लॉस करने के लिए सुबह एक्सरसाइज भी करनी है और अपनी डाइट को पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। अगर आपने तय किया है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इस एक महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे, कि अगले एक महीने आपको रिविज़न का समय मिले और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, तो ये एक महीने में जो भी प्लानिंग आपने करी, उस प्लानिंग को अक्षरशः यानी कि वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। दोस्तों, अनुशासन जीवन में रखना बेहद ज़रूरी है। अब छोटी छोटी चीज़ें जब हम करते हैं तो अनुशासन डेवलप होना शुरू होता है, यानी कि हमारी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो वही हैबिट्स हमारे बिहेवियर में बदल जाते हैं। आपका बिहेवियर क्या है? आपका बिहेवियर एक खास प्रक्रिया को बार बार रिपीट करने की ही तो प्रोसेस है। यानी कि कोई हैबिट, यानी कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं और मेडिटेशन आपको करना है सबसे पहले, अगर आप रेगुलर यही कर रहे हैं, तो यही आपका बिहेवियर कहलाएगा। यानी कि हैबिट्स हमारे बिहेवियर का निर्माण करती हैं, और जब हमारा बिहेवियर विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वो छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर के एक बिहेवियर का निर्माण कर देती हैं, तब हमारा बिहेवियर, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है और हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। और जब हमारा बिहेवियर एक विनिंग एक्शन की तरफ हमें ले जाता है, तभी हमें सक्सेस या जीत हासिल होती है। तो दोस्तों, अनुशासन डेवलप करना लाइफ में बेहद ज़रूरी है, अनुशासित जीवन जीना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स अचीव हों, आपकी जो डिज़ायर है वो अचीव हो, आपके सपने पूरे हो जाएँ, आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव सही समय पर अचीव कर लिया जाए, तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड करना सीखिए।